हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमाउत और आज अपन पढ़ेंगे स्पेशल रेफरेंस टू वाटर इकोनॉमी फॉर डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए। डेजर्ट इकोसिस्टम से जो वाटर इकोनॉमी किस तरीके से रिलेटेड है उनके बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश बाई लैंग्वेज नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। तो मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये लाइक एंड कमेंट ही मेरे लिए एक तरीके से एनर्जी है, मोटिवेशन है। मेरा काम दुगनी तरीके की मेहनत से करता हूँ। फिर चलो ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे स्पेशल रेफरेंस टू वाटर इकोनॉमी। तो अपन कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उन शब्दों का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। यदि वो समझ में आ गया तो आपका 50% टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो वाटर इकोनॉमी, वाटर तो आप जानते हैं। मैं पूछूं कि भाई जल क्या है? सर जल है H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपोनेंट बनता है उसे अपन जल बोलेंगे। आप बोल देंगे, मैं बोलूंगा कि इकोनॉमी उड़ गए तोते, इकोनॉमी क्या होती है? नहीं, इकोनॉमी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था, जैसे कि अपन अपने देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, जीडीपी घट रही है या फिर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो ये किस तरीके से है ना। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बनाए रखना, तो ये ही होती है एक तरीके से इकोनॉमी। ठीक है, तो भाई अब इकोनॉमी, वाटर इकोनॉमी इन डेजर्ट प्लांट, इसका मतलब क्या है कि जो डेजर्ट में जो प्लांट एंड एनिमल सरवाइव कर रहे हैं वो वाटर को किस तरीके से बनाए रखते हैं, किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था होती है वाटर की। तो इसके बारे में अपन फटेंगे वाटर इकोनॉमी को डेजर्ट प्लांट से रिलेटेड लेके। तो ठीक है, तो एक एक लाइन अपन साथ में मेरे साथ फटना, और आप वीडियो को पॉज करके आप फट सकते हैं या फिर नोट्स बना लेना। तो लाइफ इवॉल्व इन वाटर, आपको पता है कि जो अपना जीवन है वो एक जल से ही उत्पन्न हुआ है। इसी के साथ ही अपनी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है ना, तो वो भी उनके लिए भी वाटर बहुत ही एसेंशियल है, आवश्यक होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी 85 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। एंड इन डेजर्ट वाटर इज डोमिनेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेजिटेशन कवर, कि जो वहां की जो वनस्पति है उनके लिए भी एक तरीके से वाटर डोमिनेंट फैक्टर होता है। इन इंडियन डेजर्ट एंड हाईली वेरिएबल प्रिसिपिटेशन एंड एवेपोरेशन अफेक्ट लाइफ साइकिल, कि जो वाटर को अफेक्ट कौन सी दो साइकिल करेगी? दो प्रोसेस होती है, एक तो वर्षण एंड एक होगा कौन सा। और एक क्वेश्चन अपने माइंड में भी आता है भाई, जो डेजर्ट में जो प्लांट एनिमल पाए जाते हैं इनमें ऐसा कौन सा सीक्रेट है भाई, ये इतने हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाते हैं? तो उसका मतलब है कि भाई वो इनमें ऐसे कौन से अनुकूलन है, ऐसे कौन से एडेप्शन है पाए जाते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर एंड इतनी कम मात्रा का जल प्रेजेंट होता है उसमें भी ये आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं वहां के प्लांट एंड एनिमल में। तो प्लांट को देखा जाए तो प्लांट कैन यूटिलाइज अवेलेबल वाटर इन डेजर्ट वेरी इकोनॉमिकली, इट डिपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन, कि क्या होता है कि जो डेजर्ट में जो पाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो मेनली मैक्सिमम टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत कम होती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी जो रूट होती है वो मृदा में अधिक गहराई तक स्थित होती है। तो वो जो मृदा में जो पाए जाने वाला जल है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और लिमिटिंग फैक्टर इन लैंड इन्वायरमेंट में देखा जाए तो 0 to 25 cm तो रेन होती है पर ईयर डेजर्ट में, और डेजर्ट इकोसिस्टम में वाटर को एवोपरेट होने की पावर एयर से ही मिलती है, वो ये एक तरीके से इकोलॉजिकल फैक्टर है। डेजर्ट इकोसिस्टम में एनिमल डे टाइम में प्रोटेक्ट एरिया में अंडरग्राउंड हो जाते हैं एंड एक्टिव एट नाइट टाइम, बट प्लांट हैव टू स्टैंड एंड टेक इट। एनिमल में अक्सर देखा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले वो डे टाइम में तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अंडरग्राउंड कर लेते हैं ऐसे एरियाज में, और नाइट के टाइम में वो एक्टिव होते हैं और अपनी जो जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको सबको कंप्लीट करते हैं।
वाटर इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए डेजर्ट प्लांट में फॉलोइंग टाइप के एडप्शन प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट प्लांट में कई एडप्शन होते हैं जो वाटर लॉस को कम कर देते हैं। जितना संभव हो उतना ही वाटर को रिस्टोर करने के लिए व्यापक रूट सिस्टम एंड स्टोरेज के लिए नेट स्टेम इन्वॉल्व्ड है। क्या है, मैंने बताया था कि जो डेजर्ट में जो पाए जाने वाले प्लांट हैं उनमें एक तो स्पेशल रूट सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है कि जो रूट है बहुत लंबी होती है और सोइल में बहुत गहराई तक स्थित होती है, जिसके कारण वो वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और एक गुड वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा अलग अलग प्लांट ऑर्गन को ट्रांसफर कर देती है। एंड स्टोरेज के लिए इनमें जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा पाया जाता है। प्लांट की लीव्स वैक्सी और रेसिनस यानी कि थिक एपिडर्मिस पाई जाती है और यह अपने स्टोमेटा को मैक्सिमम टाइम तक क्लोज रखती है। तो दोस्तों, आज अपन ने वाटर इकोनॉमी डेजर्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड अपन ने स्टडी की है। तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के तक जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए।